राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, विरोधियों को आतंकवादी कहती है मोदी सरकार, किसी दिन मोहन भागवत ने किया विरोध तो बीजेपी उन्हें भी कह देगी आतंकी। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे, एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। किसान कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने गई प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर दी बेल। प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार दिखा रही अपना तानाशाही चेहरा। बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी का शताब्दी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। आजादी की लड़ाई में यूनिवर्सिटी ने निभाई थी अहम भूमिका। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना का बड़ा दावा, बोली नए स्ट्रेन से भी लड़ने में सक्षम है हमारी वैक्सीन, कोरोना के सभी रूपों से सुरक्षा प्रदान करेगी वैक्सीन। चुनावी लड़ाई बनी व्यक्तिगत लड़ाई, पीएम के साथ कार्यक्रम में शामिल होने से ममता बनर्जी का इनकार। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को पीएम ने किया संबोधित, ममता रही नदारद। किसानों के आक्रोश का शिकार हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, किसानों ने खोद डाला दुष्यंत के लिए बनाया गया हेलीपैड, लगाए गो बैक के नारे। झारखंड सरकार माफ करेगी 9 लाख किसानों का कर्ज, चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने किया था वादा, किसान कल्याण में इस साल 2000 करोड़ खर्च करेगी झारखंड सरकार। भिवंडी में कांग्रेस के 16 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस में हुए शामिल, कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बताया कांग्रेस को खत्म करने की साजिश, शीर्ष नेताओं से सतर्क रहने की अपील, शरद पवार घोपेंगे पीठ में छुरा। उद्धव ठाकरे ने नासिक के पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित, नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत का दिया मंत्र, पिछली गलतियों से सीखे पार्टी कार्यकर्ता, हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेगी शिवसेना। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने दक्षिण मुंबई में ड्रग तस्कर के घर की छापेमारी, एक गिरफ्तार, 27,50,000 कीमत का MD ड्रग्स बरामद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।